आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फुल्लों को अंग्रेजी में पॉपकॉर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो तो मकई के दाने होते हैं और मकई को अंग्रेजी में सिर्फ कॉर्न कहा जाता है, तो फिर फुल्लों को हम पॉपकॉर्न क्यों बोलते हैं। इसको समझने के लिए हमें इंग्लिश का वर्ड पॉप समझना होगा। जब पॉप शब्द एज अ वर्ब यूज़ होता है तो इसका मतलब होता है बाहर निकल आना। अगर आप कोई एप्लीकेशन में किसी ऑप्शन पे जाकर देखें कि पॉपअप, तो पॉप का मतलब होता है कि बाहर निकल आना। इसका मतलब यह है जब आप वो एप्लीकेशन नहीं यूज़ कर रहे और कोई नोटिफिकेशन आ रहा है तो वो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे बाहर आ जाएगा, तो पॉप का मतलब होता है बाहर निकल आना। जब मकई के दानों को हीट किया जाता है तो उसके अंदर का दूध उबलता है, जिससे वो दाना फटता है और वो दूध उबल के बाहर आ जाता है, क्योंकि वो पॉप करता है इसलिए उसे पॉपकॉर्न बोला जाता है। वो मकई का दाना है और पॉप करता है यानी कि बाहर आ जाता है, इसलिए उसे पॉपकॉर्न बोला जाता है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये क्लियर हुआ होगा कि पॉपकॉर्न्स को पॉपकॉर्न्स क्यों बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू ज़रूर दीजिए। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए इस चैनल को फॉलो करते रहिए और अदर सोशल मीडिया पे गौरव मोटिव ग्रूम आईडी को फॉलो करिए। थैंक यू।